भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में भयंकर दंगे चल रहे हैं। गाड़ियों, दुकानों और घरों में आग लगाई जा रही है। 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि बांग्लादेश के दंगों से हमें क्या लेना देना, लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश के दंगे भारत को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। दंगे करने वालों और कराने वालों को डर है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन जाएं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक बड़े पश्चिमी देश ने दोस्ती की आड़ में भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश को चुन लिया है। वीडियो पूरा देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश से भारत को डराने वाली खबर आ रही है। दरअसल भारत से नफरत करने वाली बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां जल्द से जल्द भारत का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाना चाहती हैं। बांग्लादेश में जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात ए इस्लामी चाहती हैं कि नवंबर में ही शेख हसीना को हटा दिया जाए। मकसद है कि भारत विरोधी पार्टियां सत्ता में आ जाए और उन्हें 6 से 7 महीनों का समय मिल जाए, ताकि वो 2024 में होने वाले भारतीय लोकसभा चुनावों से पहले मोदी को हटाने की तैयारी कर पाए। शेख हसीना को हटाकर खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। खालिदा जिया ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ हैं और ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। खालिदा जिया पीएम मोदी और भारत की कट्टर विरोधी हैं। खालिदा जिया हमेशा से ही चीन के इशारों पर काम करती रही हैं, लेकिन इस बार खालिदा जिया ने भारत को बर्बाद करने के लिए अमेरिका से सुपारी ली है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अमेरिका ही वो पश्चिमी देश है जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है। अमेरिका को डर है कि आने वाले समय में अगर कोई देश उसे पछाड़ सकता है तो वो भारत है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस वक्त जहां है वो हमेशा वहीं पर बना रहे, लेकिन अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भारत अमेरिका से आगे भी निकल सकता है। इसीलिए अमेरिका भारत में कोई कमजोर प्रधानमंत्री चाहता है। इसी कारण अमेरिका भारतीय चुनावों से पहले बांग्लादेश में दंगे करवाकर मोदी सरकार को हटाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश में अगर भारत विरोधी सरकार आ गई तो नॉर्थ ईस्ट में दंगों को और भी ज्यादा भड़काया जाएगा। बांग्लादेश में मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाएगा। बांग्लादेश में चीन के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। यहां तक कि पाकिस्तान की ISI को भी बांग्लादेश में दोबारा एक्टिव करने की तैयारी हो रही है। अगर नवंबर में ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया गया तो भारत विरोधी ताकतें अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश में बैठकर पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए भारत पर कई हमले कर सकती हैं। खुद शेख हसीना बोल चुकी हैं कि अमेरिका मुझे सत्ता से हटाना चाहता है।